विद्यार्थी परिषद के अनेकों संघर्षों, ज्ञापनों, प्रदर्शनों के बाद अब मुरादाबाद में भी बनेगा विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरादाबाद महानगर हिंदू कॉलेज के द्वारा मिठाई वितरण का कार्यक्रम किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बहुत समय से मांग चली आ रही थी कि मुरादाबाद में सरकारी विश्वविद्यालय हो, अब उनकी मांग पूरी हो रही है। इसी खुशी में हिंदू कॉलेज में मिठाई वितरण का कार्यक्रम कर अपनी खुशी जाहिर की। अब मुरादाबाद में भी सरकारी विश्वविद्यालय होगा, जिससे छात्र छात्राओं में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां पहले छात्र छात्राओं को मार्कशीट को लेकर जो समस्याएं आती थी तो उन्हें बरेली जाना पड़ता था, तो अब मुरादाबाद में ही विश्वविद्यालय बन रहा है तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसी को लेकर सचिन सिंह ने कहा कि आज जो ये मिठाई वितरण का कार्यक्रम करा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरादाबाद महानगर द्वारा हिंदू कॉलेज द्वारा, ये मिठाई वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और अभी चलेगा, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बहुत समय से मांग चली आ रही थी कि मुरादाबाद में भी एक सरकारी विश्वविद्यालय हो। तो 9 जिलों से जुड़े हुए सहारनपुर तक के छात्र छात्राओं को जो मार्कशीट के लिए समस्याएं आती थी तो उन्हें बरेली जाना पड़ता था, अब मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो काफ़ी छात्र छात्राओं को अपना काम कराने के लिए बरेली नहीं जाना पड़ेगा, अब वो काम मुरादाबाद में ही हो जाएगा। आगे कहा कि अभी हम काफ़ी संख्या में मिठाई वितरण कर चुके हैं और आगे भी मिठाई वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। छात्र छात्राओं में भी काफ़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि अब तक उन्हें अपने काम के लिए बरेली जाना पड़ता था, लेकिन अब वह काम मुरादाबाद में ही हो जाएगा। योगी सरकार का छात्र छात्राओं ने बहुत बहुत धन्यवाद करा और कितने लंबे समय से चल रही इस मांग को सरकार ने अपने बजट में पेश करा है। विद्यार्थी परिवार की ओर से हम योगी सरकार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहते हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम मेघना प्रजापति है और ये जो यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ बन रही है, इस बात से हम सभी छात्र छात्राएं बहुत खुश हैं, क्योंकि अब हमें हमारे कार्य के लिए दूर बरेली नहीं जाना पड़ेगा और अलग प्रकार की समस्याओं का अब सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने हमारे शहर में यूनिवर्सिटी के लिए करा है। हम लोगों ने काफ़ी उत्साह मनाया है इस चीज़ को लेकर। कॉलेज में सभी बहन भाइयों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई हैं एवं इस बात से हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस। अधिक प्रकार से ही होगी। सचिन सिंह प्रांत सहमंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी मेरठ प्रांत। आज जो ये मिठाई वितरण का कार्यक्रम करा अखिल भारतीय विद्यार्थी मुरादाबाद महानगर की हिंदू कॉलेज इकाई द्वारा, ये मिठाई वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और अभी चलेगा। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि मुरादाबाद में एक सरकारी विश्वविद्यालय हो। 9 जिले जो जुड़े हुए हैं, सहारनपुर तक के छात्र छात्राओं को जो उन्हें उनके मार्कशीटों को लेकर समस्याएं आती थी तो उन्हें बरेली भागना पड़ता था, अब वो क्या समस्याएं, जब मुरादाबाद में जब यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो काफ़ी छात्र छात्राओं में उन्हें अपना काम कराने के लिए यूनिवर्सिटी को बरेली को दौड़ना नहीं पड़ेगा, वो मुरादाबाद में ही काम हो जाएगा। अभी लगभग काफ़ी संख्या में मिठाई इतनी बांट चुके हैं, अभी हमारा कार्यक्रम अभी छात्र छात्राओं में मिठाई का और बाजार में भी कार्यक्रम चलेगा। अभी छात्र छात्राओं में हमने जिन बच्चों को मिठाई खिलाई, जिन छात्र छात्राओं को, उनमें काफ़ी खुशी का माहौल है कि अब उन्हें, अभी तक वो बरेली जाकर धक्के खाते थे, अपना पैसा बर्बाद करते थे, अब उन्हें मुरादाबाद के अंदर ही यूनिवर्सिटी में अपना काम वो करा लेंगे। योगी सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतने लंबे समय से चली आ रही मांगों का हमारी इस सरकार ने जो अपने बजट में पेश करा है, तो हम उनका बहुत बहुत आभार, विद्यार्थी परिषद परिवार की तरफ से हम उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहते हैं।